नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन जानकारी देने वाले हैं मॉपअप राउंड के बारे में। तो यार, मॉपअप राउंड का जो चॉइस फिलिंग है वो एंड हो चुका है। अब उसके बाद में स्टूडेंट के मन में सवाल आता है कि मॉपअप राउंड मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मेन कैंपस मिलेगा, क्या सब कैंपस मिलेगा, और उसके अलावा मॉपअप राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी, है ना। और उसके अलावा जो सवाल आ रहे हैं आपके मन में कि आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कब हमें 10,000 पे करना है, क्या अपर ग्रेड के लिए हम जा सकते हैं क्या मॉपअप राउंड में। तो ऐसे यार तमाम सवाल आप लोगों के द्वारा मेरे से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के इन्हीं सवालों को क्लियर किया जाए एक वीडियो बना करके। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं आपके मॉपअप राउंड की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, उनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मॉपअप राउंड की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले ही पता है कि आपकी चॉइस फिलिंग एंड हो चुकी है। चॉइस फिलिंग आपकी एंड हो चुकी है 3 तारीख को, आपका रात को 11 बजे तक आपका चॉइस फिलिंग हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद में आपका सीट अलॉटमेंट कब होने वाला है। सीट अलॉटमेंट, भाई मैं आपको ये डेट बता रहा हूँ तो वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर मॉपअप राउंड में आपने काउंसलिंग किया है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके 10,000 रुपए बच सकते हैं, आपके 10,000 रुपए बर्बाद हो सकते हैं अगर आप मेरे द्वारा दी गई बातों को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। जिन लोगों को पता है उनको ठीक है, लेकिन जिनको पता नहीं है, वो काफी लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग 10,000 रुपए गवा बैठते हैं मॉपअप राउंड में, ठीक है। कैसे गवा बैठते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सीट अलॉटमेंट, एक बार ही आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कितने तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपका सीट अलॉटमेंट यहाँ पर हो रहा है 6 तारीख को। 6 तारीख को देखिए, आपका आईसीआर का लास्ट 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट है, वो थोड़ा लेट हुआ था, वरना आईसीआर ने जो डेट और टाइम दिया है उसी के अनुसार आपका काम हो रहा है। तो आपका ये डेट जो इन्होंने दिया है उसके अनुसार आपका यहाँ पे 6 तारीख को शाम को 5 बजे आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। देखिए, शाम को 5 बजे इन्होंने टाइम दिया है, ठीक है। तो 5 बजे आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। भाई देखो, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो उनको कॉलेज मिला था और वो वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, क्योंकि जब वो वहां पे ओपन कर रहे थे तो उनको वहां पे ऑटोमेटिक उनके डॉक्यूमेंट शो हो रहे थे, लेकिन वहां पे उनको प्रोसीड करके सबमिट करना था। तो इसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के बता दूंगा जब आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट होगा। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन सबमिट करने हैं, ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो आपकी 8 तारीख तक रहेगी। काफी सारे स्टूडेंट थे जो अभी आपका मेन काउंसलिंग निकला है, तो उसमें कॉलेज अलॉट होने के दूसरे दिन से ही मेरे पास मैसेज करने लग जाते, भैया हमने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिए, अभी तक यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई नहीं किए। तो भाई, यूनिवर्सिटी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो उनके पास 10 तारीख तक है ना। वैसे तो हाँ, 9 तारीख तक है, सॉरी, 9 तारीख तक आपकी यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकती है। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो कुछ यूनिवर्सिटी आपका तुरंत के तुरंत डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देती है। जैसे 6 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए, और यूनिवर्सिटी आपका 6 तारीख को या 7 तारीख को ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगी। आपके सामने 10,000 रुपया पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। 10,000 पे करने के बाद में क्या करना है, 10,000 पे करने के बाद में आपको बस कॉलेज में जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपके पास वो अपग्रेड करने का ऑप्शन है, बस आपको वो 10,000 रुपये है वो सीट एक्सेप्ट करने के लिए ही पे करने हैं। आपको यहाँ पर अपर मूवमेंट के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मॉपअप राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा वही कॉलेज रहेगा। आपको दोबारा से यहाँ पे जैसे आपको मेन काउंसलिंग में मिला था वैसे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई। जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको भाई डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड करने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में भी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, और उसके बाद में आप 10,000 रुपये पे नहीं करते हो 10 तारीख से पहले पहले, रात को 12 बजे से पहले पहले, तब भी आप काउंसलिंग से बाहर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी, ठीक है। ये अपनी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि भैया हमने कॉलेज फिल किए, अब हमें सब कैंपस मिलेगा कि मेन कैंपस मिलेगा, हमने इतनी सारी कॉलेज फिल की, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो भाई आपको ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ,
चलिए मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर चॉइस फिलिंग है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, चॉइस आपको कॉलेज किस तरह से मिलता है, आपको थोड़ी चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आपके मन में ये जो डाउट आ रहा है ना कि कॉलेज कैसे मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त को मेरे से ज्यादा रैंक पर ये कॉलेज मिल गया और मेरे को नहीं मिला, जबकि मैंने इसको ऊपर प्रेफरेंस में रखा था। तो यार देखो, कॉलेज आपको मिलता है उसके पीछे काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, है ना। काफी सारे, रैंक तो आपका मैटर करता है ही, लेकिन रैंक के अलावा भी काफी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो वो आपका कैटेगरी भी मैटर करता है, उसके अलावा डोमिसाइल सबसे ज्यादा मैटर करता है। डोमिसाइल मैं आपको बता दूं कि यार एक यूनिवर्सिटी में आपके 40% से ज्यादा किसी स्टूडेंट के बच्चे नहीं जा सकते। जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी 91 सीट इसके आईसीआर की है, तो 91 सीट में से 40% सीट अगर कोई एक स्टेट है, जैसे राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के स्टूडेंट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को फर्स्ट नंबर पर भर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो 40% स्टूडेंट है, इसकी जो सीटें हैं 40%, उन्हीं को ये कॉलेज मिलेगा, है ना। उसके अलावा आपके चाहे दूसरे स्टेट वाले बंदे से ज्यादा नंबर ही क्यों ना हो, आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना। तो ये 40% का रूल होता है डोमिसाइल को लेकर के, तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करता है। तो इसलिए कई बार होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मेरे उस दोस्त का वहां पे मिला और मेरे को नहीं मिला, जबकि मेरा रैंक ठीक था और वो वहां से, मैं यहां से हूं। तो भाई एक डोमिसाइल और कैटेगरी ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब कि भैया जो कॉलेज मिलेगा वो क्या हमें ऊपर से मिलेगा कि नीचे से मिलेगा, वैसे तो यार चॉइस फिलिंग आपने की है, आपने पहले नंबर पर जो कॉलेज आपको अच्छा लगता था वो भरा, दूसरे पे आपने वो भरा, तीसरे पे वो भरा, तो आपके मन में ये डाउट आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी काफी लोग पूछ रहे हैं। हाँ, और स्वाभाविक है यार, पहली बार आप कर रहे हो तो आपका हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी नंबर हो, आपके 450 नंबर है, तो 450 नंबर पे आईआरआई दिल्ली है, तो वो देखेगा कि 450 नंबर इसके बंदे के हैं, ये रैंक है, तो इस पे सबसे ज्यादा इसका जो 10 लोगों ने फिल किया है आईसीआर आईआरआई दिल्ली को, 10 लोगों ने फिल किया, मान लीजिए 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में लगा है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मान लो कि हाँ 10 लोगों ने ही भरा है, ऐसा नहीं है। काफी सारे लोगों ने, अधिकतर लोगों ने आईआरआई दिल्ली को फर्स्ट में ही भरा है। अब काफी सारे बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे किया होगा कि उन्होंने जो वैकेंट सीट का जो लिस्ट दिया हुआ है उसके अनुसार चॉइस फिलिंग किया हो, लेकिन मैंने वीडियो बना के बताया था कि भाई आपकी वो सीट वैकेंट है, वो तो आप देख सकते हो कि हाँ कॉलेज में, इस कॉलेज में सीटें हैं कि नहीं, लेकिन उसके अनुसार चॉइस फिलिंग बिल्कुल नहीं करना था भाई, बिल्कुल नहीं करना था। मैंने काफी लोगों को बोला भी, और जिन लोगों को मैंने चॉइस फिलिंग किया उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो यार एक यूआर जो सीट होती है, यूआर के नाम से, यूआर कैटेगरी की, वो सीट पर कोई भी जा सकता है, उस पर ये नहीं कि जनरल कैटेगरी का ही बंदा जाएगा। तो आप देखोगे काफी सारे ST SC के बंदे ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनके वहां पे लिखा रहा है कि जनरल सीट, है ना, यूआर सीट, है ना। तो वो यूआर वाला सीट जनरल कैटेगरी को मिल सकता है, ओबीसी को मिलता है, ST SC को मिलता है। तो किसी यूनिवर्सिटी जहां पर ST का सीट नहीं है, आपको वहां पे ST का सीट नहीं दिख रहा, SC का सीट नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप उसकी जर्नल की कट ऑफ को फाइट करते हो, आपका नंबर अच्छा है, तो वो वहां पे आपको मिल सकती है। तो मैंने ये काफी लोगों को बताया था, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जिन लोगों ने नहीं किया, तो उनको तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन आपकी जो चॉइस फिलिंग है, वो जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि 10 लोगों ने आईआरआई दिल्ली को भरा है और यहाँ पे 2 सीट है, तो उसमें से 2 बंदों का तो यहाँ पे हो जाएगा, उसके अलावा जो 8 बंदे बचे हैं उनके लिए ये दूसरे में देखा जाएगा। ऐसे ही आपके नंबर और रैंक के हिसाब से एक-एक यूनिवर्सिटी आपका जो सॉफ्टवेयर रहता है वो ऑटोमेटिक चेक करता है और आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोर्स मिलते हैं। अगर आपके नंबर पर BSc एग्रीकल्चर में कोई भी यूनिवर्सिटी पे सेट नहीं बैठ रहा है, आपसे, आपके जितने नंबर है उससे ज्यादा और लोगों के नंबर थे, तो उनको, उनसे सारी सीटें फिल हो गई है, तो वो हॉर्टिकल्चर में जाएंगे। ऐसे जैसे जैसे आपने चॉइस प्रेफरेंस किया होगा उस तरह से, ये ABC का बंदा था तो इसका मैंने यहाँ पर इस तरह से चॉइस फिलिंग किया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको लास्ट तक क्या, ये तो लास्ट ही है मोपअप राउंड, तो यहाँ पे इसको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह से चॉइस फिलिंग किया होगा जिन जिन कोर्सों में आप एलिजिबल थे, क्योंकि मोपअप राउंड में आपको ये नहीं कि आपको दोबारा से मौका मिल जाएगा, और ये नहीं कि आपको कॉलेज आपको नहीं मिला, पसंद का नहीं मिला, तो यहाँ पर भाई पसंद ना पसंद कोई काम नहीं आती, क्योंकि जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें जाना ही पड़ेगा, है ना। अब एक चीज का जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको कोई भी कॉलेज मिले,
जैसे आपको मिल गया फिशरीज, मिल गया आपने भर दिया, लास्ट में आपने फिशरीज भरा है, उससे पहले आपने जिन कोर्सों में जाना चाहते थे आपने वो भरा, लेकिन लास्ट में हाँ कि मैं देख लेता हूँ ये कोर्स पसंद नहीं है लेकिन ये लास्ट चांस है, मैं फिशरीज डाल देता हूँ, तो इन्होंने यहाँ पे फिशरीज डाल दिया। अब लेकिन इनको फिशरीज में बिल्कुल नहीं जाना, और ये यहाँ पर 10,000 पे करने के बाद में बोलते हैं कि ना नहीं मैं तो आप फिशरीज में तो जाऊंगा ही नहीं, तो भाई आपके 10,000 रुपए आपको यहाँ पे रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि मेन काउंसलिंग में आपके पास ऑप्शन आ रहा था विड्रॉल का। तो काफी सारे बंदे यहाँ पे सोचते हैं, एक वीडियो देखते रहते हैं कि विड्रॉल हो जाता है 10,000 रुपया, तो वो विड्रॉल आपका यहाँ पे मोप प्राउड में नहीं होगा। तो आपको कॉलेज मिले, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, आपके पेमेंट का ऑप्शन आए, तो भाई जब आप उस कॉलेज में जाओ, जाने की सोच रहे हो ना कि हाँ मुझे इस कॉलेज में जाना ही है, तभी जाकर आपको 10,000 पे करना है, उसके अलावा आपको 10,000 पे नहीं करना है। आप कुछ और जो ऑप्शन है उनको देखना है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाते हो और 10,000 पे करते हो तो वो 10,000 आपके डूब जाएंगे, वो आपको दोबारा किसी भी हालत में रिफंड नहीं किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आपके जो डाउट थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, है ना। और मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।